गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रश्मि यंदे, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 12th लेसन, सिंपल मशीन्स। मशीन्स, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इज़ द डिवाइस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट, जिसमें हमें टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा और एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। कम एफर्ट्स में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन हम कर सकते हैं, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं मशीन्स। फॉर एग्जांपल, इन डे टू डे लाइफ डिफरेंट मशीन्स वी आर यूजिंग। द नेल कटर, बॉटल ओपनर, द व्हील यूज टू पुश द लोड शोन इन द पिक्चर और ऑल आर द मशीन्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल मशीन्स। The machines have two types, simple machines and complex machines. So here, simple machines, what is the meaning of simple machine? Which have the easy structure, they are very simple for working, जिसमें बहुत complications नहीं है, वो किसी और चीज़ पर depend नहीं है, उसे हम बोलते हैं simple machines. They can be easily handled. There are the less chances of these machines breaking down and getting damaged. And we use many such machines in day-to-day life. The machines which have many parts, which carry out many processes for completing a task, they are called as the complex machine. Complex machine यानि क्या? इसमें बहुत सारे parts होते हैं और वो parts एक दूसरे को join किए जाते हैं, एक दूसरे को जोड़े जाते हैं, इसको हम बोलेंगे complex machine. Some of the parts of such a complex machine are actually simple machines and the structure of complex machine, it is the complicated, like mixer grinder, scooter it is there, cycle it is there, wheelchair it is there, स्विंग मशीन इट इज़ देयर। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है एक दूसरे को ज्वाइन किए जाते हैं। सो इन डे टू डे लाइफ वी यूज सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन्स डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी कैरीड आउट एंड द टाइम एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू इट। मशीन यूज करके क्या होगा? जो वर्कलोड है हमारा, वो वर्कलोड जो है वो ईजी तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे और टाइम भी बहुत कम रिक्वायर्ड है उसके लिए। सच लेट अस लर्न अबाउट द सिंपल मशीन। हियर एन इंक्लाइंड प्लेन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। चिल्ड्रंस, लुक एट दिस डायग्राम 12.3। इन दिस फिगर थ्री सिचुएशंस आर देयर, ए बी एंड सी। लोडिंग अ ड्रम ऑन टू अ ट्रक, देखो तीन सिचुएशंस यहाँ पे है, ए बी एंड सी। ये तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है? दिस ए सिचुएशन, इट इज़ द करेक्ट वन। वी कैन से दिस इज द करेक्ट मेथड। सिंपल इंक्लाइंड प्लेन इट इज़ देयर थ्रू विच वी कैन ईजीली लोड दैट ड्रम ऑन अ ट्रक। ओके, इफ अ स्लैंटिंग प्लैंक इज यूज टू लिफ्ट अ वेट, वी हैव टू बेयर लेस ऑफ द वेट एंड लिफ्टिंग इट बिकम इजियर। सच अ प्लैंक इट इज कॉल्ड एज द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन यानी क्या? थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे कि इंक्लाइंड फॉर्म में, देखो यहाँ पे और ये सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और रिवर्स में ये ड्रम आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। इंक्लाइंड यानी क्या? थोड़ा सा टेढ़ा। द मोर ग्रेजुअल द स्लोप, द लेसर इज द वेट वी बेयर। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना हमें वेट जो है वो कम अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उतना हमें वेट कम बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इंक्लाइन प्लेन की वजह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको रोल 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 करके लोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा वेट जो है वो पकड़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वेट फील होगा और फोर्स भी हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सो सच अ इंक्लाइन प्लेन इट इज़ अ लॉन्गर, द स्टीपर द स्लोप द शॉर्टर द इंक्लाइन प्लेन, बट वी हैव टू बेयर अ ग्रेटर वेट। सो दिस इज द ए मेथड, इट इज़ द करेक्ट मेथड टू लोड अ लोडेड ऑब्जेक्ट। एनी लोडेड ऑब्जेक्ट वी कैन लोड थ्रू द इंक्लाइन प्लेन। ओके, आफ्टर दैट हियर अगेन अ ट्राई दिस, इट इज देयर द स्क्रू एज एन इंक्लाइंड प्लेन।
The threads on a screw are made in the same way. These are the threads. देखो ये जो nail है इसको ऐसे threads होते हैं, आपने देखा होगा. क्यों ऐसे threads क्यों होते हैं? Because when a screw is fitted in a wood, it goes in as if it is going down an inclined plane. Therefore, less force is required to fit a screw than to a hammer nail. On the other words, a screw is like a rolled up inclined plane made up of an iron strip. ये जो iron nail है, easily wood में insert होना, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? In this way, we can make the inclined plane. यहाँ पे क्या है? Threads है, इसे हम बोलते हैं threads. So due to these threads, it can be easily penetrate into the wooden plank. A winding road or a ghat that goes up a mountain is also like an inclined plane wrapped around the mountain. It helps big vehicle to climb up and down the mountain easily. It is the easy way for climbing up also and to come downside also. So this is the use of the inclined plane, which is also an example of the simple machine. After that, a wedge. Wedge yani kya? An axe is used for cutting wood. Aapne dekha hoga, this is the axe. Yes, this axe, ye kyu use karte hum? Wood cutting ke liye. A sharp tool is formed on joining two inclined planes. Such a tool, it is called as the wedge. Please underline this definition of wedge. Wedge yani kya? Wedge, it is nothing but a sharp tool which can be formed by joining two inclined plane. Two inclined plane, for example of the axe, for example of the knife, for example of the chisel, for example of the nails. What is the use of this wedge? It is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. These are the an axe, a knife, a chisel. These are the examples of the simple machine. A needle and a nail are also a kind of the wedges. So wedges ki definition aapko samajh mein aayi. Next one, it is the a lever. A farmer is using a strong crowbar to move a big stone bogged down in the farm. Such a machine, it is called as the lever. देखो लेवर यानी क्या? दिस फार्मर दिस वॉन्ट टू रिमूव दिस लार्ज स्टोन. ये लार्ज स्टोन अगर उसे हटाना है, अगर डायरेक्टली अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा ये बार के थ्रू, तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर एक छोटा सा और एक स्टोन और उसके ऊपर अगर ये इंक्लाइंड प्लेन में उसने अगर बार यहाँ पे अप्लाई किया, देन दैट फार्मर रिक्वायर द लेस फोर्स. ओके, सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज द लेवर. अ लेवर हैज़ थ्री पार्ट्स, नेमली एफर्ट, लोड एंड फलक्रम. अभी देखो लेवर के थ्री पार्ट्स होते हैं. ये थ्री पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लेवर इज रेस्टेड, इट इज कॉल्ड एज द फलक्रम ऑफ अ लेवर. The lever rotates about the fulcrum. Second one, the weight lifted by a lever or the force against which the lever act, it is called as the load. तो यहाँ पे load क्या है? This big stone, it is the load. Yes, the force applied on the other end of the rod to lift the load, it is called as the effort. The part of the lever from the fulcrum to the effort, it is called as the effort arm. So three parts kaun se hai? This is the fulcrum. This is the fulcrum. Fulcrum yani kya? Jo support hum use kar rahe hai, use hum bolenge fulcrum. Second jo hai wo hai load. Load yani jise hume move karna hai, jise hume lift karna hai, that is the load. And third one, it is the effort. So these three collectively, it is called as the lever. Okay, this is a very simple technique. These are the simple machines. Okay, after that, here again, lifting a paper weight. This is a paper weight. You know that
सो हियर देखो एफर्ट लोड फलक्रम यस ये थ्री पार्ट जो है लेबर के कैसे वर्कआउट करता है ये प्लेस अ पेंसिल ऑन अ टेबल प्लेस अ रूलर ऑन इट एट राइट एंगल विथ इट पुट अ पेपर वेट ऑन वन एंड ऑफ द रूलर प्रेस द अदर एंड विथ योर फिंगर एंड लेफ्ट द वेट विच आर द लोड आर्म द एफर्ट आर्म एंड द फलक्रम दिस इज द एफर्ट दिस इज द फलक्रम एंड दिस इज द लोड ओके सो दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक एज आई टोल्ड यू दिस आर द सिंपल मशीन्स ओके अगेन हियर रिमूविंग द लीड हियर ओपनर बॉटल ओपनर इट इज देयर The picture shows how we use an opener to remove the cap of a sauce bottle. जो tomato ketchup या फिर jam, especially this is the bottle of ketchup. तो ये जो ketchup की bottle का lid अगर हमें निकालना है cap अगर हमें निकालनी है तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग With the help of lever. यहाँ पे भी देखो fulcrum, load and effort. Effort यानि जहाँ से हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोड यानि जो थिंग हमें मूव करनी है लिफ्ट करनी है और फलक्रम यानि दैट इज द मीडिया ओके टू रिमूव द टाइट फिटिंग कैप द ओपनर इज रेस्टेड ऑन द कैप एंड वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द ओपनर टू पुल इट अपवर्ड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं The cap also gets pulled up as the opener rotates about the fulcrum. जिसमें load, effort and fulcrum. These are the mainly three parts. Okay? So special angle should be made for easy opening. Third example it is there. How do we lift an object using tongs? This is the tong, pair of tong. Yes? तो pair of tong से हम क्या करते हैं? कोई भी object जो है, चिमटा रहता है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं हियर दिस पिक्चर इट शोज अस लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर द फल्क्रम इज इन द सेंटर द लोड एट वन एंड वाइल द एफर्ट इज एट द अदर एंड लेवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इसमें क्या होता है द लोड इज इन द सेंटर लोड जो है वो सेंटर पोजिशन में होगा द फल्क्रम दिस इज प्रेजेंट ऑन वन साइड एंड एफर्ट इट इज फ्रॉम द other side और third इसमें the lever of the third order इसमें the effort is in the center the fulcrum on one side and the load is on the other side next part it is the a pulley pulley that is nothing but a device with a grooved wheel and a thread designed to lift weight it is called as the pulley for example here कभी देखा होगा कि वेल में से अगर पानी निकालना है तो हम पुली का यूज करते हैं या फिर जहाँ पे कंक्रीटिंग यानी जहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वे है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इट इज ऑकर एट दैट प्लेस आल्सो पुली इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट सो पुली इट इज ऑल्सो दैन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन इफ वी यूज अ पुली Force can be applied in the downward direction for lifting the weight in an upward direction. This is a convenient and easy. Next one it is the a wheel and axle. आपने giant wheel तो देखा होगा. Giant wheel कैसे होता है? It is a fitted to a rod at its center. देखो center में एक rod है. जैसे आपने cycle का भी अगर आप wheel देखोगे, तो उसको center ही ऐसे rod होता है. और वो एक्सेल जिसे हम बोलेंगे एक्सेल और वो एक्सेल के अराउंड जो है ये व्हील जो है वो रोटेट होता है सो व्हेन द एक्सेल स्टार्टेड रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द व्हील फिटेड टू इट आल्सो स्टार्ट्स द रोटेटिंग तो ये जो एक्सेल है ये एक्सेल क्या कर रहा है रोटेट हो रहा है तो उससे कनेक्टेड जो ये व्हील है वो भी क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है This combination of an axle and a wheel is a simple machine. We see innumerable example of its use. देखो यहाँ पे example दिया है. When a pedal of a bicycle is rotated, the wheel starts rotating. Because जो cycle की wheel है, वो भी axle को क्या है? Attach है axle. So these are the different types of the machines. ये machines का हमें maintenance भी करना होता है.
हाँ, आपने देखा होगा कभी साइकिलिंग जो है उसको आप ऑयलिंग करते हो, उसके व्हील में ऑयल करते हो, ब्रेक में ऑयल करते हो, घर में अगर कोई मशीन है, घर में अगर कोई मशीन है तो उसका अगर आवाज़ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल छोड़ते हैं। चैनल गेट है, घर का गेट है, कोई भी ऐसे मेटल से बनाई हुई कोई मशीन है तो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में उसमें से आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ऑयलिंग करते हैं। दैट ऑल थिंग्स इट इज़ नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स। पार्ट्स ऑफ अ मशीन्स रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड। सॉइल्ड डस्टी पार्ट्स क्रिएटेड मोर फ्रिक्शन। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर, रस्ट एंड एरोड। जो मशीन्स होते हैं उसके पार्ट्स जो है वो एक दूसरे को रब होते हैं, घिसते रहते हैं, यस, एंड उसमें मिट्टी या फिर जिसे हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो है, वो डस्ट पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, ज़्यादा फ्रिक्शन के प्रोड्यूस करते हैं। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर, जैसे बारिश में भीग गए तो मेटल सरफेस ख़राब हो जाता है, वो रस्ट, रस्ट यानी क्या, उसको हम बोलते हैं गंजना, यस, तो रस्ट जो है वो रस्ट फॉर्म होता है। मशीन्स इट गेट डैमेज ड्यू टू द रस्टिंग और बिकम यूजलेस ड्यू टू द सच वियर एंड टियर। टू अवॉइड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द मशीन्स। मेंटेनेंस कैसे करना है, तो जो भी पार्ट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लीन, हमें वो पार्ट जो है क्लीन रखना है, यानी क्या, उस पर धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं जमा होनी चाहिए। उसके बाद में ऑयल या फिर लुब्रिकेंट, ऐसा एक कैन होता है उनके पास, उसमें ऑयल होता है, ऑयल जो है वो चैन में, जो बाइसिकल के व्हील होते हैं उनमें, उसका जो एक्सेल होता है उनमें, ये क्या करते हैं, ये ऑयल छोड़ते हैं। तो ऑयल की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, क्योंकि जितना ड्राइनेस होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे हम लुब्रिकेंट या फिर ऑयल यूज़ करेंगे तो वो सरफेस जो है वो फ्रिक्शन नहीं होगा उसका, और एंड द वियरिंग इज़ रिड्यूस्ड। मशीन्स आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम। जब हम किसी मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे ढककर रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, तो उस पर डस्ट जो है वो सेटल नहीं होनी चाहिए। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर, मेटेलिक पार्ट्स इन अ मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई। मशीन जो है, देखो मेटल का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा पेंट, उस पर पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि मशीन्स जो है वो मेटल से बनते हैं, और मेटल वाटर से, एयर से, या फिर वाटर ड्रॉपलेट से जो है वो ख़राब हो जाते हैं, हाँ, तो उन पे ना जंग चढ़ जाता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, तो वो कोरोड नहीं होना, रस्ट फॉर्म नहीं होना, इसके लिए हमने क्या करना है, उसे पेंट भी करना है, और जो मशीन्स है वो हमेशा ड्राई रखने चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी सिंपल लेसन, वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर विद द नेम ऑफ दैट लेसन, इट इज़ द सिंपल मशीन्स। दिस ऑल थिंग्स वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, ओके। तो एक बार ये लेसन आपको रीड आउट करना है प्रॉपरली, और अगर कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क मी दैट डाउट्स। थैंक यू।